शांति अव्यक्त मास में हमें प्यारे ब्रह्मा बाबा की विशेष स्मृतियां आती हैं और बाबा ने कहा हुआ है स्मृति से समर्थि आती है वास्तव में समर्थी ही व्यक्ति को समर्थ विजयी और सफल बनाती है तो प्यारे ब्रह्मा बाबा जो कि अपने पुरुषार्थ में नंबर वन गए तो बाबा ने कहा हुआ है कि नंबर वन एग्ज़ाम्पल को फॉलो करोगे फॉलो फादर करोगे तो आपका रास्ता सहज हो जाएगा हमें कोई नया रास्ता नहीं ढूंढना पड़ेगा बल्कि बाबा के कदम पर कदम रख के हम आसानी से चल सकते हैं तो ब्रह्मा बाबा के 18 कदम 18 जनवरी तक हमको फॉलो करने हैं और उनमें सबसे पहला कदम जो है वो है त्याग सर्वस्व त्याग यूँ भी हम कहते हैं त्याग तपस्या और सेवा और ये भी कहते हैं त्याग से ही भाग्य मिलता है तो त्याग से हमें क्या भाग्य मिलता है कि हमें जैसे किसी चीज़ का हम विल करते हैं तो ब्रह्मा बाबा ने पहला कदम सब कुछ परमात्मा को विल किया और उसके बदले में बाबा ने ब्रह्मा बाबा को विल पावर दी तो विल पावर ही वो समर्थी है जो सफलता को लाती है तो ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले जैसा कि गीता में भी अभी तक वर्णित है अपने देह और देह के संबंधों का त्याग किया अब देह का त्याग के साथ साथ जितने भी लौकिक संबंध हैं जो भी लौकिक व्यवसाय है अर्थात लौकिकता का त्याग किया और अलौकिक जीवन शुरू किया तो ब्रह्मा बाबा को हम अपना अलौकिक पिता भी कहते हैं उसके पश्चात होता है देह के साथ पुरानी देह के साथ जुड़े हुए पुराने संस्कार स्वभाव उनका भी बाबा ने त्याग किया तो बाबा कहते हैं इन सब त्याग के बाद एक और त्याग हमें करना पड़ता है जो बड़ा सूक्ष्म है उसको कहा जाता है त्याग का भी त्याग अर्थात जब व्यक्ति त्याग करता है तो उसके अंदर ये भावना आ जाती है मैंने बहुत त्याग किया हमारे ब्राह्मण परिवार में भी कई बच्चे मन में सोचते हैं और कभी कभी उनके मुख से भी निकल जाता है कि मैंने तो इतना त्याग किया तो बाबा कहते हैं इस त्याग का भी त्याग करना है तब संपूर्ण त्याग होता है और सर्वस्व त्याग होता है बाबा कहते हैं सर्वस्व मैंने हर चीज़ का और फिर सर्व अंश सर्वांश त्याग अर्थात किसी भी चीज़ का अंश मात्र भी चाहे वो व्यक्ति है चाहे वो वस्तु है चाहे वो वैभव है तो अन अंश मात्र भी त्याग ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर किसी चीज़ का भी अंश हमारे अंदर रह जाता है तो वो फिर बहुत जल्दी परिस्थिति आने पर उसका वंश पैदा हो जाता है जैसे हम जानते हैं कि कई मेडिसिन होती हैं एंटीबायोटिक्स वग़ैरह तो डॉक्टर कहते हैं इसको पाँच दिन खाना है तीन दिन के बाद आपको लगेगा कि मेरा रोग ठीक हो गया और कई व्यक्ति तीन दिन के बाद दवाई खाना ही छोड़ देते हैं या मेरा तो रोग ठीक हो गया ज़्यादा दवाई क्यों खाऊं दवाई का तो रिएक्शन होता है लेकिन तीन दिन खाने के कारण से थोड़ा सा अंश बीमारी का अंदर रह जाता है और मौका आने पर वो वंश में जल्दी से बढ़ जाता है इसीलिए कहा जाता है पूरा कोर्स करो इसी प्रकार से सर्व अंश त्याग मैंने उसके बाद फिर पीठ मुड़कर भी हमें कभी याद नहीं करना है हमने त्याग किया इसको ही त्याग का त्याग कहते हैं तो भगवान कहते हैं जितना तुम अपना फाइनल विल बनाओगे त्याग के मतलब ये नहीं है जैसे सन्यासी लोग करते हैं बाबा ने बताया हुआ है कि एक हद का त्याग है एक बेहद का त्याग है एक है घर बार छोड़ के चले जाना या अपने कर्तव्य या लौकिक जो हमारा व्यवहार है ग्रस्त है उससे किनारा कर लेना नहीं बाबा कहते हैं बेहद का त्याग का बहुत शॉर्ट में कहें तो अर्थ ये है सारे लौकिक को अलौकिक में बदलना ब्रह्मा बाबा ने देह का त्याग किया उसका अर्थ क्या हुआ कि ये देह अब लौकिक में नहीं रहेगी ये मेरी नहीं है अब ये बाबा को समर्पित है अर्थात ये इस देह की मैं अच्छी तरह संभाल करूँगा लेकिन मेरा इसमें मोह नहीं होगा इसमें मैंपन नहीं होगा अर्थात बाबा कहते हैं कि किसी भी चीज़ से मोह नहीं रखना क्योंकि मोह लौकिकता है और उसको परमात्मा के अर्पण करके बाबा की सेवा में लगाना है तो जब हम सेवा में लगाते हैं तो ना केवल वो अलौकिक समर्पण होता है बल्कि सेवा में लगाने से उससे हमारे को प्राप्ति होती है हमारा पुण्य हमारा भाग्य जमा होता है त्याग से भाग्य तो मिलता है क्योंकि जब भी हम अलौकिक जीवन बनाते हैं तो सबसे बड़ा भाग्य जो हम अनुभव करते हैं वो है अति इंद्रिय सुख का दुनिया के अंदर व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो सुख और शांति के लिए ही करता है लेकिन अति इंद्रिय सुख जो सभी सुखों से न्यारा है सबसे श्रेष्ठ सुख है वो अलौकिकता में ही आता है और वो इस प्रकार के त्याग से ही आता है तो हम सब ब्राह्मणों को बाबा ने कहा हुआ है कि आप परम भाग भाग्यशाली हो आपके एक कदम में पदम है तो ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखने से हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मा बाप समान बढ़ाएंगे तो हमारे को पद्मों की कमाई होगी और इसके लिए बाबा ने कहा है फॉलो भी मनसा में वाचा में कर्मना में संबंध संपर्क में हर चीज़ में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है और उसका तरीका क्या है कि हम कोई भी संकल्प करें कोई भी बात बोले, कोई भी कर्म करें या किसी के संबंध संपर्क में आए तो उससे पहले सोच लें कि क्या मेरा ये संकल्प मेरा बोल मेरा कर्म मेरा संबंध संपर्क बाप समान है अर्थात ब्रह्मा बाबा जैसे करते थे वैसा है अगर करते थे तो फॉलो करना है अगर नहीं करते थे तो फिर उसको बिल्कुल भी हमने अपने जीवन में नहीं लाना है तो यही सफलता की चाबी है अब हमारे संगम युग पूरा होता जा रहा है तो बाप समान बनने में संपूर्ण और संपन्न बनने में अब हमें बहुत जैसे कहते हैं चढ़ाई चढ़ो तो जब चढ़ाई ऊंची हो जाती है तो एक एक कदम बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक एक कदम फूंक-फूंक कर रखना पड़ता है क्योंकि चढ़े तो चाखे वैकुंठ रख रस गिरे तो चखना चूल उसमें फिर वहाँ से अगर कभी नीचे आ गए तो फिर दोबारा चढ़ने की तो बात ही नहीं रहती इसलिए अब जू जूँ समय समीप आ रहा है सम्पन्नता की ओर कंप्लीशन की ओर आ रहा है तो हमें ब्रह्मा बाबा को सामने रख के जैसे ब्रह्मा बाबा में सादगी थी ब्रह्मा बाबा ने किसी भी चीज़ को अपना नहीं कहा कहा बच्चों के लिए है ब्रह्मा बाबा ने अगर हम जानते हैं हमें तो अनुभव है हम ब्रह्मा बाबा के साथ हमने पालना ली हुई है ब्रह्मा बाबा जब पांडव और में ट्रेनिंग सेंटर बनवाते थे तो कहते थे ये कमरा मेरे बच्चे माया से थके हुए आएंगे यहाँ विश्राम पाएंगे ये कमरा इसमें मेरे बच्चे आकर के योग तपस्या करेंगे तो वो बाबा एक एक कमरा बन बनता था और बच्चों का नाम लेते थे मेरे प्यारे बच्चे कहाँ कहाँ से आएंगे अर्थात बाबा ने अपने लिए कुछ नहीं रखा हर बात बच्चों के लिए इसी प्रकार से बाबा कहते हैं हमको भी जो सेवा का भावी है उसमें मैंपन मेरापन ना आए मेरा सूक्ष्म स्वार्थ भी ना आए लेकिन दूसरों की सेवा करेंगे तो हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे ब्रह्मा बाबा ने तो यहाँ तक किया कि कभी अपना ड्रेस भी चेंज नहीं किया जो ड्रेस ब्रह्मा बाबा का था उसी को रखा कि ऐसा ना हो कि मैं ड्रेस चेंज कर लूँ और किसी को साक्षात्कार हो तो पहचाने ही नहीं तो बाबा कहता था एक ही ड्रेस पहनूँगा ताकि इससे लोगों को साक्षात्कार होगा और सचमुच बहुत सी आत्माएं आती थी जब कहती थी हमने तो इनको पहले देखा हुआ इतना बाबा ध्यान रखते थे कोई माता कभी बाबा के लिए स्वेटर बुन के ले आए तो उसको खुश करने के लिए बाबा थोड़ी देर के लिए पहन लेते थे लेकिन बाबा किसी चीज़ को अंगीकार या स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि बाबा कहते थे कि मेरा एक ही स्वरूप रहे अब देखिए इसका कनेक्शन हमारी एक रह स्थिति से भी है अगर हम एक ही स्वरूप रखते हैं अपना लाइफ जिसको बाबा कहते हैं ना बहुत ऊँचा ना बहुत नीचा सिंपल रखते हैं तो हम एक रस रह सकते हैं और बाबा कहते हैं जो एक रस रहते हैं वो सूर्यवंशी होते हैं और जो उनका कभी कैसा कभी कैसा होता है तो वो फिर चंद्रवंशी में चले जाते हैं तो क्योंकि चंद्रमा की कलाएं बढ़ती घटती हैं और जो सूर्य होता है उसमें कलाएं नहीं होती तो आज के दिन हम ब्रह्मा बाबा का जो त्याग है सूक्ष्म त्याग है मान शान का त्याग अपनी महिमा का त्याग किसी भी प्रकार के स्वार्थ का त्याग और इस त्याग करने वालों को बहुत खुशी होती है लोग त्याग शब्द सुन के समझते पता नहीं क्या भारी त्याग करना पड़ेगा लेकिन आप जानते हैं कि जो परवाने होते हैं क्षमा जलती है वो क्षमा के ऊपर जाके फिदाई हो जाते हैं आप सोचिए है कि अपनी जान दे देना क्षमा के ऊपर तो ज़रूर उनको कुछ प्राप्ति होती है कई परवाने घूम घूम कर चक्कर लगा के भी चले जाते हैं कई कुछ चक्कर लगा के फिर फिदा होते हैं तो जिसने त्याग का मज़ा ले लिया जिसने सादगी का मज़ा ले लिया जिसने अति इंद्रिय सुख ले लिया उसको फिर और दुनिया में क्या चाहिए वो यही कहता है पा लिया था जो पाना काम क्या बाकी रहा ओम शांति